हाय फ्रेंड्स, टुडे रेसिपी सीमाया विथ जाफरान फ्लेवर। तो हम उसके लिए किशमिश ले लिया है 50 ग्राम के आसपास, काजू ले लिया है 20-30 ग्राम के आसपास, और आलमंड, ग्रीन इलायची और ये जाफरान, और हम उसी के साथ लिया है सीमाई। वो ये रोस्टेड वाला सीमाई नहीं है, रोस्टेड वाला सीमाई मिलता है मार्केट में, तो वो भी आप ले सकते हैं जब रोस्टेड करना है। और इसके लिए हम 200 ग्राम के आसपास ले लिया शुगर, और काउ मिल्क ले लिया 1 लीटर। तो पहले हम फर्स्ट स्टार्टिंग कर उसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद उसमें थोड़ा इलायची, काजू हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे सिमाइयाँ। तो आप लोग रोस्टेड वाला जो सिमाई मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिमाई रोस्टेड नहीं था, वो के घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स का जो क्वांटिटी है आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसमें ऐड कर सकते हैं पिस्ता, खजूर वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो उसमें और बढ़िया बनेगा। जितना ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिएगा उतना बढ़िया अच्छा लगेगा। तो ये हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, मीडियम रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो रोस्ट हो गया है, उसी 5 ml में हम दूध डालेंगे, काउ मिल्क 1 लीटर। तो उसको उबाल लेना है, क्योंकि उबाल ले रहा है पहले, उबालने से मिल्क का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाएगा, इसलिए मिल्क को उबाल ले रहा है। उबालने के बाद थोड़ा हल्का उबालना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे किशमिश। तो गर्म मिल्क में किशमिश ऐड करने से किशमिश और फूल जाएगा, बड़ा साइज का हो जाएगा। और उसमें ऐड करेंगे आलमंड पिस्ता जो है वो ऐड करना है। तो थोड़ा उबालने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हम 200 ग्राम के आसपास ले लिया है, तब लोग ज़्यादा मीठा चाहिए तो उसी में और शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीडियम रेंज स्वीट्स के लिए ये 200 ग्राम 1 लीटर में बराबर है। तो हम उसी में रोस्टेड वाला जो सिमाई जो रोस्ट किया था, तो हम अभी डालेंगे मिल्क में। इसको ज़्यादा टाइम उबालना नहीं है, उबालने से क्या होगा वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा गीला टाइप रखना है, बाद में ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारा सिमाई अभी रेडी है। तो शुगर हल्का सा कम था, इसलिए बाद में हम 2 चम्मच ऐड किया। तो आप 200 ग्राम डालिए 1 लीटर दूध में, बराबर हो जाएगा मीठा। कम मीठा चाहिए तो और थोड़ा सा कम डालना है। तो हमारा ये सिमाई हो गया रेडी। तो हम ऊपर से अभी गार्निश करेंगे, इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, वो केसर फ्लेवर जो है केसर डालेंगे। आप लोग को चाहिए तो केसर पहले ही मिल्क में डाल सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। तो बाद में डालेंगे तो उसका केसर का जो कच्चा फ्लेवर है वो बढ़िया से आएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो हम हो गया सिमाई। तो ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।